नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सबको रिंकू नुवाल चैनल को स्वागत है। आज मैं उड़ीसा स्टाइल की पनीर भुजिया बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, चलिए देखते हैं। मैंने पनीर भुजिया के लिए लिया है, एक कटोरी पनीर लिया है। मैंने घर पे जो दूध था उसको मैंने पनीर निकाला है, और ये एक चम्मच सब्जी मसाला है, एक चम्मच जीरा है, दो हरा मिर्ची है, एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसमें हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, इसमें सॉल्ट है, इसमें कसूरी मेथी है, और इसमें मलाई है। हम इतने सारे लेके आज एक न्यू स्टाइल, एक यूनिक स्टाइल पनीर भुजिया बनाएंगे। एक बार आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा। एक बार बना के खा के फिर मुझे कमेंट बताना कैसा लगा। मुझे लगता है बहुत टेस्टी लगेगा, और एक यूनिक स्टाइल में पनीर भुजिया बना रही हूँ। एक बार ट्राई कीजिए। अगर मेरे चैनल आप देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याज को पहले काट देंगे, पहले छोटा छोटा करके काटना है। उसको मैं चॉपर में डाल दूंगी, वो अच्छे से फाइन चॉप हो जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह डाल दिया। उसके साथ दो हरा मिर्ची जो लिया था उसको इसमें डालना है, और उसको अच्छे से चॉप करना है। ये देखिए इस तरह आपको प्याज को चॉप करना है। मैंने कढ़ाई बैठा दिया है गैस पे, और गैस ऑन कर दिया है। अभी मैं तेल डालती हूँ। दो चम्मच तेल लेना है। तेल मेरा गर्म हो गया है, एक चम्मच जीरा डालना है तेल में। जीरा चटक गया है। अब मैंने जो चॉप करके रखा था प्याज को और हरा मिर्ची, उसको डालना है। थोड़ा सा सुनहरा करना है प्याज को, हल्का ब्राउन करना है। उसके बाद प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, मैंने टमाटर को चॉप कर दिया है, उसको अभी इसमें डालना है। टमाटर अच्छे से पिघल जाए, इसके साथ सॉल्ट, एक चम्मच सॉल्ट, आधा स्पून हल्दी पाउडर, और एक चम्मच मिर्ची पाउडर, इसको अभी डालना है और थोड़ा सा मिलाना है इसमें। इसको एक मिनट ही ढक के बॉयल होने के लिए छोड़ना है। टमाटर अच्छे से पिघल गया है। उसमें मैंने सब्जी मसाला जो एक चम्मच रखा था उसमें एक चम्मच पानी डाल के इसमें अभी इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा फ्राई करना है। इसके साथ जो मैंने मलाई रखा था दो चम्मच इसमें डालना है। एक बार ये मलाई डाल के एक बार ये बनाइए, बहुत टेस्ट लगेगा ये पनीर के भुजिया। एक मिनट उसको फ्राई करने के लिए छोड़ना है। थोड़ा सा फ्राई हो गया है मसाला, मैं इसी समय जो पनीर रखा था उसको डाल रही हूँ।
इसमें आधा कटोरी से कम है थोड़ा सा पानी डालना है। उसके साथ मैंने जो कसूरी मेथी रखा था एक चम्मच डालना है। इसमें थोड़ा इसको फ्राई करने देंगे, थोड़ा फ्राई हो जाएगा, एक मिनट उसको छोड़ देंगे ढक के, वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छे से तेल आ गया है, मतलब पनीर भुजिया ऑलमोस्ट रेडी है। मैं और थोड़ा सा इसमें क्रीम देती हूँ ताकि और थोड़ा अच्छा लगे। एक बार इस तरह पनीर की भुजिया बना के देखेंगे, इतना टेस्ट लगेगा आप सब भूल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डालना है। पनीर भुजिया ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला। अब पूरा रेडी है पनीर भुजिया, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैंने निकाल दिया है कटोरी में, ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें क्रीम डाल रही हूँ जो कि फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ये पनीर भुजिया बहुत क्रीमी क्रीमी लगता है और बहुत टेस्ट, बहुत यूनिक टेस्ट देता है और इतना अच्छा लगेगा, एक बार इसको बना के देखिए। अगर मेरी चैनल आप देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।